हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड मेनिया। और आज हम आपको बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी मिठाई कराची हलवा बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपीज़ की जानकारी मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कराची हलवा बनाने के लिए उसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कप शक्कर ली है और उसमें 1 कप पानी डाल देंगे। तो अब हम शक्कर को चलाते रहेंगे। तो शक्कर अब घुलने लगी है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टार्टरी या साइट्रिक एसिड को भी डाल सकते हैं। तो नींबू का रस या टाटरी चाशनी में इसलिए डाला जाता है कि यह शक्कर को दोबारा जमने नहीं देगी। हमें चाशनी को चलाते रहना है ताकि शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए। अब चाशनी उबलने लगी है, हमें इसे 2-3 मिनट तक पकाना है। अब हम चाशनी को पानी में इस तरह से डालकर चेक कर लेंगे। ये पानी की तली में बैठ गई है और पानी में घुल नहीं रही है। तो चाशनी अब हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 2 कप पानी डाल लेंगे। गैस को हमें एकदम लो रखना है और कॉर्नफ्लोर के घोल को लगातार चलाते रहना है। हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना पड़े और ये नीचे चिपके नहीं। कराची हलवा को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हम इसे लो फ्लेम पर पका रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होगा। तो हमें इसको इसी तरह से चलाते रहना है। देखिए, यह अब धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे। फिर इसको तब तक चलाना है जब तक चाशनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। चाशनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी और चाशनी डाल देंगे। तो हमें चाशनी को एक बार में नहीं डालना है, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमें घी को भी इसमें 1-1 चम्मच करके डालना है। तो हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और जब तक घी हलवे में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगा तब तक हमें दोबारा घी को नहीं डालना है। जब घी हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम उसमें दोबारा 1 चम्मच और घी डाल देंगे। इस तरह से हमें हलवे में 5-6 चम्मच घी डालना है। अब देखिए, हलवा ट्रांसपेरेंट होने लगा है। अब हमको घी डालकर इसको इसी तरह से पकाते रहना है। अब हम हलवे में रेड फूड कलर मिला रहे हैं, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर डाल सकते हैं। अब हलवा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब हलवा अब बनकर तैयार हो चुका है। तो हमने पहले से एक ट्रे में घी लगा कर रखा था, तो हम गैस को बंद करते ही तुरंत ही इसको ट्रे में डाल देंगे, नहीं तो ये बर्तन में ही जम जाएगा। अब हमने इसको ट्रे में रख दिया है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए और जमने के लिए रख देंगे। तो हमें हलवे को 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, उसके बाद हम उसको काट लेंगे। तो 3 घंटे अब हो चुके हैं, हलवा अच्छी तरह से जम चुका है। अब हम चाकू की मदद से हलवे को ट्रे से अलग कर लेंगे और हमने इसको एक प्लास्टिक सीट पर निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। आप छोटे बड़े कैसे भी पीस काट सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।